अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी से खुश आमदीद। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को दमा है और वो दमे के मरीज जो हैं अपना बेहतर इलाज करेंगे आज की इस वीडियो को देखकर, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुफीद तजर्बे से गुजर उसका आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। अब इसका इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे। सबसे पहले तो मैं दमा उन लोगों को कहना चाहूँगी कि होता है जो परहेज़ नहीं करते, और बिल्लियों कुत्तों से परहेज़ नहीं करते, उनके बालों से परहेज़ नहीं करते, उन बिल्लियों कुत्तों के बालों में जरासीम होते हैं और कलर लगाने से भी दमा हो जाता है। बालों में अगर हम दाढ़ी पर कलर लगाते हैं, इससे भी हमारे जिस्म के अंदर जब वो खुशबू फैलती है पूरे में, तो वो दाढ़ी पर जब हम अपने कलर लगाते हैं तो उससे भी हमें दमे की शिकायत होती है, क्योंकि वो सांस के ज़रिए उसकी खुशबू हमारे अंदर जाती है और हमारा सांस रुकने लग जाता, सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है। अगर कमरा चारों तरफ से बंद है, उन लोगों को भी दमा हो जाता है। बाज़ लोग हार्ट का मसला समझते हैं मगर ऐसा नहीं है। घर में ऐसा टोटका आप करें जैसे पाँव के तलवों पर गर्म पानी की सिकाई करें। पुराने कपड़े जो पेटियों में रखे होते हैं ना, उससे भी दमा हो जाता है। सिगरेट पीने वालों को भी दमा होता है। शहद उस लोगों के लिए बहुत उमदा चीज़ है। गर्म पानी में शहद मिलाकर आप पिएं। और दूसरा, मनक्का आप इस्तेमाल किया करें। मनक्का के अंदर आपने 3 दाने लेने हैं, यानी कि 3 अदद आप पीस ले लें। मनक्का के अंदर आपने काली मिर्च का पाउडर कर लीजिएगा, उसके अंदर आपने मिर्च का पाउडर डाल देना है और उसको आपने काली मिर्च को जब पीस लें अच्छे तरीके से, तो 3 अदद ही काफ़ी है मनक्का, तो इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर बनाकर जब आप डालेंगे तो उसको आपने चूस कर खाना है। ये आपको बहुत मफीद है। और इसके अलावा अजवा खजूर भी और शहद को भी आपने मिलाकर इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर बेहतरीन है दमे के मरीजों के लिए, और भी बेशुमार बीमारियों में काम आती है अजवा खजूर। और इसके बाद कश्ते शीरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्ते शीरी आप लें 2 चुटकी शहद में मिलाकर, 1 चम्मच शहद हो तो उसमें आप मिलाकर खा सकते हैं। नुस्खे के तौर पर आपने क्या करना है, काकड़ा सिंगी लेनी है। काकड़ा सिंगी आपके सामने मौजूद है, इस तरह की देख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं मगा, जिसे पिपली भी कहते हैं, फुलफुल दराज भी कहते हैं, ये आपने लेनी है। और इनको बनाना कैसे है कि आपने सबसे पहले तो काकड़ा सिंगी लेनी है 50 ग्राम और फुलफुल दराज लेनी है आपने 50 ग्राम। इसकी एक जड़ी बूटी हो जाए कश्ते शीरी आपने 50 ग्राम इसका पाउडर बना लेना। 4 चुटकी आपने बड़े लोग इस्तेमाल करेंगे और 2 चुटकियाँ जो बच्चे हैं छोटे वो इस्तेमाल करेंगे। और खाने अपने नीम गर्म पानी से या आप चाय के साथ इस नुस्खे को ले सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा कामयाब नुस्खा जो मैंने आज आपके हिम्मत पेश किया। बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने बच्चों और बड़ों को इस बीमारी से निजात दिलाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारामद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।